हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं एक सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाना। इस टाइप का ये सीरीज टेस्ट बोर्ड बहुत ही काम का है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो इस टाइप का एक बोर्ड आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारा काम जो है आसान हो जाता है। तो कैसे इस बोर्ड को बनाएंगे, कैसे सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाएंगे, आज के वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान तरीका से बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेंगे एक चार चार का पीवीसी बॉक्स। इस टाइप का आपको एक पीवीसी बॉक्स लेना है, और पीवीसी बॉक्स का ऊपर का जो आप कवर देख रहे हैं उसको इस तरह से आपको निकाल करके दो हॉल कर लेना है, एक टू पिन सॉकेट लगाने के लिए और एक होल्डर लगाने के लिए। ठीक है, इस टाइप से आपको कटिंग कर लेना है पीवीसी बॉक्स का ऊपर वाला कवर में। उसके बाद लेंगे एक टू पिन का सॉकेट जो कि यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद लेंगे एक बल्ब होल्डर, और बल्ब होल्डर को कुछ इस तरह से हम खोल करके उसका अंदर का होल्डर को इस तरह से बाहर निकालेंगे। और इस होल्डर को इस पीवीसी बॉक्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से फिट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमको इस होल्डर को फिट कर लेना है। इस तरह से होल्डर को पूरी तरह से फिट कर लेने के बाद हम फिर इसमें सॉकेट को फिट करेंगे। इस टाइप से सॉकेट को भी फिट कर लेंगे। सॉकेट को भी फिट कर लेने के बाद इसका दोनों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। ठीक से टाइट कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब आइए इसका हम वायरिंग करके देखते हैं कि वायरिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको लेना है एक छोटा सा कटिंग वायर। ठीक है, इस टाइप का एक छोटा सा आपको कटिंग वायर लेना है एक पीस, और इस वायर को होल्डर का दोनों पिन में से किसी एक पिन में आपको वायर का एक सिरे को टाइट कर देना है। तो आइए इसको हम टाइट कर देते हैं। इस तरह से आपको टाइट करना है, लूज नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छे से आपको टाइट कर लेना है। उसके बाद दूसरे सिरे को आपको सॉकेट का एक पिन में कुछ इस तरह से वायर को इसको भी इस तरह से टाइट कर लेना है। ठीक है, यानी एक सिंगल वायर, एक छोटा सा कटिंग वायर लेंगे होल्डर का एक पिन में और सॉकेट का एक पिन में, कुछ इस तरह से हमको ये छोटा सा वायर को सबसे पहले फिट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद लेंगे इस बोर्ड में सप्लाई देने के लिए एक मेन कोड लेंगे। आप चाहे तो वायर भी ले सकते हैं, फेजर न्यूट्रल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे एक टू पिन का मेन कोड, और मेन कोड को सबसे पहले हम इस बॉक्स के अंदर में कुछ इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार कर लेंगे एक छोटा सा हॉल करके इस तरह से। बहुत ही आसान है ये सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाना फ्रेंड्स। इस तरह से आपको पार करके बांध लेना है। उसके बाद इस वायर में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दो वायर है। ठीक है, तो दोनों वायर में से किसी एक वायर को आपको जोड़ना कहाँ है, होल्डर का एक पॉइंट जो मेरा खाली है वहां एक वायर को जोड़ना है, यानी कि सिंगल वायर को। तो मेरा इधर का पॉइंट खाली है, तो मेन कोड का एक वायर को हम इसमें जोड़ लेते हैं, इसको भी टाइट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। उसके बाद मेरा एक जो सिंगल वायर मेन कोड से और मेरा बच रहा है, उसको सॉकेट का दूसरा पिन में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से आपका सीरीज बोर्ड जो है बन जाएगा। इसी तरह से सीरीज बोर्ड बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मेरा स्विच बोर्ड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इसका
चारों स्क्रू को टाइट कर देते हैं और इसका टेस्टिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीरीज बोर्ड है बहुत ही काम का है, इसको आप एक तरह का टूल्स कह सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी इलेक्ट्रिशियन को कोई भी चीज़ चेक करने में बहुत ही आसानी होता है। इस तरह का एक सीरीज बोर्ड आपको बिल्कुल बना लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा काम का टूल्स है। चारों स्क्रू टाइट कर लेने के बाद अभी इसका हम टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सारा स्क्रू को जब आप टाइट कर लेंगे, उसके बाद हम लेंगे एक फिलामेंट वाला 100 वाट का बल्ब, कुछ इस तरह का बल्ब आपको लेना है और इस होल्डर में लगाना है। उसके बाद इस टेस्ट पॉइंट में यानी कि सॉकेट में कुछ इस तरह से आपको प्लग में 2 वायर जोड़ करके और एक रोड जैसा बना लेना है। उसके बाद जैसे ही आप टच करेंगे सप्लाई दे करके, तो आपका बल्ब जो है जलना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बल्ब जल रहा है, यानी कि मेरा टेस्ट लैंप जो है, सीरीज बोर्ड जो है, कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप कोई भी पीवीसी बॉक्स में एक छोटा सा सीरीज टेस्ट बोर्ड आसानी से बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।